फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट और आने वाले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर आज एक रैली के दौरान हमला किया गया। बताया गया है कि एक शूटर ने ट्रंप पर बहुत ऊंची जगह से फायरिंग की। इस वाकये की जो वीडियो सामने आई है उसमें ट्रंप के कान से खून निकलता हुआ देखा जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान जारी करते हुए अपनी शूटिंग के बारे में तफसीलात शेयर की। उन्होंने कहा कि वो खतरे से बाहर है और जान बचाने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान हमले पर दुनिया भर की लीडर्स ने चिंता का इजहार किया है। इनमें एक नाम पीएम नरेंद्र मोदी का है। पीएम मोदी ने आज की सुबह एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है। वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बारे में बहुत चिंतित है। उन्होंने इस घटना की निंदा भी की है। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुझे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश पर चिंता है। ऐसे घटनाओं पर कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। मैं उनकी जल्द और पूरी सेहतियाबी की दुआ करता हूं। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.